अंतरिक्ष, स्पेस या आसमान काला क्यों है जबकि अरबों सितारे मौजूद हैं? हम अपनी पृथ्वी को हरा भरा देख सकते हैं क्योंकि यहाँ रोशनी है और रोशनी का सबसे बड़ा स्रोत सूरज से आने वाला प्रकाश है। सूरज एक तारा है, क्या आप जानते हैं? हमारे ब्रह्मांड में अरबों तारे मौजूद हैं लेकिन फिर भी हमारा अंतरिक्ष काला दिखलाई पड़ता है। सभी तारे अपनी रोशनी छोड़ते हैं लेकिन फिर भी हमारा स्पेस काला क्यों है? पृथ्वी को सूरज अपनी रोशनी देता है। पृथ्वी गोल घूमती है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने रहता है वहाँ दिन रहता है और जो भाग सूरज के सामने नहीं रहता वहाँ रात हो जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कण और अणु से सूरज की रोशनी टकरा कर विभिन्न रंगों में बिखर जाती है और नीले रंग का बिखराव सबसे अधिक होता है और हमें आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है और ना ही रोशनी मौजूद है जिसके कारण अंतरिक्ष काले रंग के अंधकार में पड़ा है। सितारे बड़े समूहों में पाए जाते हैं जिन्हें आकाशगंगा कहा जाता है। एक आकाशगंगा में लाखों या अरबों तारे हो सकते हैं। हमारे पास सबसे बड़ी आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। अब सवाल ये उठता है कि अरबों सितारे होने के बावजूद इन सितारों की रोशनी मिलकर अंतरिक्ष की को रोशन क्यों नहीं करने देती? तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि ये अरबों सितारे होने के बावजूद अंतरिक्ष काला क्यों है। डॉपलर प्रभाव के कारण। इसके एक तर्क दिया जाता है कि डॉपलर प्रभाव के कारण अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है। इसके अनुसार प्रकाश का स्रोत आपसे दूर जाता रहता है और उसकी वेवलेंथ लंबी हो जाती है। जैसा कि हम कहते हैं, जैसे जैसे प्रकाश की वेवलेंथ लंबी होती जाती है प्रकाश का दिखना भी कम होता जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और तारे भी दूर जा रहे हैं, इसलिए तारों से आने वाली रोशनी भी दूर जाती रहती है। इसे हम एक और उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जब कोई आवाज़ आपके निकट आती है तो आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। ऐसा ध्वनि तरंगों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाने के कारण होता है जिससे आवाज़ की पिच हाई हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये आवाज़ आपसे दूर रहती है तो आपको आवाज़ सुनना कम हो जाता है क्योंकि आवाज़ की फ्रीक्वेंसी और पिच कम हो जाती है। तारों का दूर होना। प्रकाश सीधी रेखा में और स्थिर गति से ट्रैवल करता है। ये किसी वस्तु से टकरा कर या फिर बिखराव होता है जिसके कारण हम फिर सभी रंगों को देख पाते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद आकाशगंगा और तारे हमसे काफ़ी दूरी पर स्थित हैं। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है जिसकी रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 8.16 मिनट लगाती है। इसका मतलब है कि जो रोशनी आप देख रहे हैं वो 8.16 मिनट में पुरानी है। कई आकाशगंगा और तारे ऐसे हैं जो हजारों, मिलियंस और ट्रिलियन वर्ष पुराने हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो आसमान में तारे देख रहे हैं उनकी रोशनी इतने समय पुरानी निकल चुकी है। एक दूसरे सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति अनंत नहीं है, ये करीब 15 बिलियन साल पुराना है। इसका मतलब ये है कि हम केवल वस्तुओं को उतने ही दूर देख सकते हैं जितनी प्रकाश की दूरी 15 बिलियन वर्ष में सफ़र कर सके। इसलिए तारों से आने वाली रोशनी इतनी दूर है कि हम तक पहुंचने के लिए उतना समय नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष काला है।